हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में हम लोग एटोनर के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए एटोनर क्या है एन एटोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिड्यूसेस द पावर ऑफ ए सिग्नल विदाउट एप्रिसिएबली डिस्टॉर्टिंग इट्स वेब फॉर एटोनएटर क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो सिग्नल के पावर का जो है रिड्यूस करता है रिड्यूसेज द पावर ऑफ ए सिग्नल सिग्नल का जो पावर होता है उसको रिड्यूस करता है विदाउट एप्रिसिएबली डिस्टोटिंग इट्स वेब फॉर्म वेब फॉर्म में बिना कोई चेंजिंग चेंजिंग के वेब फॉर्म को बिना उसको मीन्स कह सकते हैं आप बिना रिड्यूस किए हुए बिना उसमें कोई क्षति पहुंचाए हुए ये क्या करता है पावर को रिड्यूस करता, करता है सिग्नल के पावर को रिड्यूस करता है एन एटोनुएटर इज इफेक्टिवली द अपोजिट ऑफ एम्पलीफायर एटोनुएटर जो होता है ये अपोजिट होता है एम्पलीफायर का तो एम्पलीफायर क्या करता है एम्पलीफायर प्रोवाइड्स गेन एंड गेंटोर प्रोवाइड्स लॉस एम्पलीफायर गेन करता है और ये क्या करता है एम्पलीफायर वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है वही एटोनोटर क्या करता है ये लॉस प्रोवाइड करता है या एटोनोटर का जो गेन होता है गेन होता है वो लेस देन वन होता है मीन एक तरह से लॉस प्रोवाइड करता है एटोनोटर का जो गेन होगा वो लेस देन वन होगा जस्ट अपोजिट है एम्पलीफायर का एटोनटर आर यूजली पैसिव डिवाइसेस मेड फ्रॉम सिंपल वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ माइक्रोवेव पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट एटोनर क्या है ये पैसिव डिवाइस है पैसिव कैसा डिवाइस है पैसिव डिवाइस है जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का बना रहता है और यूज किया जाता है माइक्रोवेव पावर जो ट्रांसफर्ड होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है एटोनुएटर इज ए फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ एटोनुएटर को दो भाग में क्लासीफाई किया गया है फिक्स एटोनुएटर और वेरिएबल एटोन नाम से ही क्लियर है फिक्स और वेरिएबल फिक्स एटोनुएटर क्या होता है देखिए फिक्स एटोनुएटर इन सर्किट आर यूज टू लोअर वोल्टेज डिसिपेट पावर एंड टू इम्प्रूव इम्पीडेंस मैचिंग फिक्स एटोनुएटर का जो है सर्किट में यूज किया जाता है लोअर वोल्टेज के लिए पावर डिसिपेशन के लिए और इम्पिडेंस uh, मैचिंग imp को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा इम्पिडेंस मैचिंग करने के लिए फिक्स एटोनोटर का यूज किया जाता है फिक्स एटोनुएटर आर कॉमनली यूज वेयर ए फिक्स अमाउंट ऑफ एटोनोशन इज टू बी प्रोवाइडेड जहाँ पे फिक्स अमाउंट ऑफ एटोनोशन प्रोवाइड करना है वहाँ पे फिक्स एटोनोटर का यूज किया जाता है इफ सच ए फिक्स एटोनोटर एब्जॉर्ब ऑल द एनर्जी इंटरिंग इन टू इट वी कॉल इट एज ए वेब गाइड टर्मिनेटर कह रहा है अगर फिक्स एटोनोटर जो है सभी जितना भी इनर्जी इंटर करता है उसको एब्जॉर्व कर लेता है सभी जो एनर्जी इंटर करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो इस तरह के एट्यूनेटर को हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेटर टर्मिनेटर इसको बोलते हैं टर्मिनेटर, जब सब एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ये आपका फिक्स एट्यूनेटर का डायग्राम है देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका डायलैक्ट्रिक स्लैब है पावर इधर से दे रहे हैं माइक्रोवेव है शॉर्टिंग प्लेट है तो ये आपका फिक्स एटोन का डायग्राम है नेक्स्ट है वेरिएबल एटोन वेरिएबल एटोन प्रोवाइड कंटिन्यूस और स्टेप वाइज वेरिएबल एटोन वेरिएबल एटोन क्या प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस या स्टेप वाइज जो है वेरिएबल एटोन को प्रोवाइड करता है फोर रैक्टेंगुलर वेब गाइड दिज एटोनर कैन बी फ्लैप टाइप और भेंट टाइप रेक्टेंगुलर वेब गाइड के लिए ये जो एटो वेरिएबल एटोमेटर होता है वो किस तरह का होता है फ्लैप टाइप या भेन टाइप का होता है फ्लैप टाइप या भेन टाइप वेरिएबल एटोन रेक्टेंगुलर वेब गाइड जो होता है रेक्टेंगुलर वेब गाइड के लिए वेरिएबल एटोन जो होता है वो फ्लैप टाइप या भेन टाइप होता है फोर सर्कुलर वेब गाइड रोटरी टाइप इज यूज सर्कुलर वेब गाइड के लिए किसका यूज किया जाता है रोटरी टाइप का और रेक्टेंगुलर वेब गाइड के लिए किसका यूज किया जाता है फ्लैप टाइप या भेन टाइप का तो हम लोग इसमें फ्लैप टाइप को देखेंगे क्या कह रहा है फ्लैप टाइप एटर कंसिस्ट ऑफ ए रेसिस्टिव एलिमेंट और उसमें क्या होता है रेसिस्टिव एलिमेंट होता है और डिस्क इंसर्टेड इंटू ए लॉन्गिटूडनल स्लॉट कट या और डिस्क को जो है इंसर्ट किया जाता है लॉन्गिटूडनल स्लॉट में एलोंग द सेंटर ऑफ द वाइडर डायमेंशन और सेंटर वाइडर डायमेंशन जो है उसका सेंटर के एलोंग जो है वेब गाइड के इसको इंसर्ट किया जाता है डायग्राम देख लीजिए पहले ये आपका फ्लैप टाइप एटोनर का डायग्राम है यहाँ पे डाइल है ये एडजस्टिंग नोब दिखा रहा है स्लॉट है रेसिस्टिव कॉर्ड है लॉकिंग स्क्रू है और यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम एटोनोशन हो रहा है और यहाँ पे मिनिमम एटोन को दिखा रहा है फ्लैप टाइप में द फ्लैप इज माउंटेड ऑन द हिंज आर्म एलॉइंग इट टू डिसेंट इन टू द सेंटर ऑफ द वेब गाइड फ्लैप टाइप को जो है माउंट किया जाता है हिंज आर्म पे अलाउंग टू द डिसेंट इन टू द सेंटर ऑफ द वेब गाइड वेब गाइड के सेंटर में जो है इसको डिसेंट किया जाता है द डिग्री ऑफ एटोनुएशन इज बाय द द डेप्थ ऑफ ऑफ इंसर्शन फ्लैप जो डिग्री ऑफ एटोनुएशन जो है फ्लैप टाइप में वो कैसे डिटर्मिंट किया जाता है तो इंसर्शन का जो डेप्थ है इंसर्शन ऑफ द फ्लैप जो है उसका डेप्थ से हम लोग कितना डेप्थ है उससे हम लोग डिग्री ऑफ एटोन को मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ ऑफ इंसर्शन द फ्लैप से हम लोग डिग्री ऑफ एटोनुएशन को मेजर करते हैं ये आपका फ्लैप टाइप एटुनुएटर का डायग्राम है देख सकते हैं तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें एटूनुएटर देखे एटोनुएटर क्या होता है क्लासिफिकेशन देखे फिक्स टाइप एटूनुएटर और फिर वेरिएबल टाइप एटुनुएटर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच